नमस्कार बच्चों, कक्षा 9 एक्सरसाइज 2.4। आज इसका प्रश्न 3 हम करने जा रहे हैं। k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस वन px का एक गुणनखंड है। यह हमें दिया हुआ है कि x माइनस वन px का गुणनखंड है। तो बहुपद है px बराबर एक्स स्क्वेयर, पहले भाग में बहुपद है px बराबर एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस एक। तो गुणनफल प्रमेय के अनुसार यदि गुणनखंड, यह है गुणनखंड प्रमेय के अनुसार यदि x माइनस वन px का गुणनखंड है, यदि x माइनस वन px का गुणनखंड है तो यहां से वैल्यू है 1, तो p ऑफ 1 0 के बराबर होगा। p ऑफ 1 0 का मतलब है x की जगह 1 लिखना, तो x का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस x की जगह 1 प्लस k, p ऑफ 1 0 के बराबर है, तो इसकी जगह जब 1 लिखा तो ये भी k 0 के बराबर होना चाहिए। अब देखो 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस ये है 1 प्लस k बराबर 0, ये आ गया 1 प्लस 1 होता है 2 प्लस k बराबर 0। यहां से k कितना आ गया, 2 इधर प्लस हो रहा उधर आके माइनस, 0 में से 2 माइनस कर दिया माइनस 2, ये k की वैल्यू आ गई। यही हमें इस भाग में निकालना था। ठीक है बच्चों, तो आइए हम इसका अगला भाग देखते हैं। px बराबर है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट 2। यदि x माइनस गुणनफल प्रमेय के अनुसार, गुणनखंड प्रमेय के अनुसार यदि x माइनस वन px का गुणनखंड है तो p ऑफ 1 0 के बराबर होगा। p ऑफ 1 का मतलब इस बहुपद में x की जगह 1 लिख दो, 2 ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस k, k के साथ x की जगह आ गया 1 प्लस रूट 2। रूट से डरना नहीं है, इसको हल करना है। 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2, k को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया k, रूट 2 को ऐसे ही लिख देना है बराबर 0। k किसके बराबर आएगा, देखो 2 यहां प्लस हो रहा है उधर जाएगा तो माइनस 2, रूट 2 यहां प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस रूट 2। बस यही k की वैल्यू आ गई। क्यों, क्योंकि बिना रूट वाली रकम में प्लस माइनस नहीं हो सकती, हमें k की वैल्यू निकालनी थी, ये हमारे पास आ गई k की वैल्यू। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, और यदि समझ आया है तो बच्चों प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।